हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चेतन है और मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इट्स रिगार्डिंग टू B1 B2 वीज़ा फॉर अमेरिका USA। सो इससे पहले कि मैं जो ये वीडियो बनाता, इससे पहले मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और मुझे आगे अगर थोड़ा बहुत नॉलेज भी दिया। और मैंने भी अप्लाई किया था B1 B2 के लिए और थैंक गॉड के वो मुझे वीज़ा मिल गए B1 B2 के लिए। तो जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब पहले मैं कर रहा था तो मैंने काफ़ी सारे, जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, ऐसे मैंने भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे। तो स्पेशली अगर आपको कोई ब्रोकर या कोई एजेंट आपको बता रहा है कि अगर आप, मैं आपको B1 B2 वीज़ा दिलवा सकता हूँ, इतने पैसे हो गए, लाखों हो गए, 2 लाख रुपए हो गए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऐसे किसी भी फालतू के झंझट में ना पड़े, क्योंकि इट इज़ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरव्यू आप कैसे फेस करते हो, और डिपेंड्स उनका मूड और लक। वो तो डेफिनेटली है कि लक आपका काम कर रहा है तो हो सकता है। तो जैसे ही प्रोसेस का रहता है, जैसे 11 हज़ार 12 हज़ार के करीब एक एप्लीकेशन का जो लोग लेते हैं, ठीक है, पर एप्लीकेशन जो आप बाय एजेंट भी करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। जो काफ़ी सारी वेबसाइट है, जो आप गवर्नमेंट की, वहाँ पर USA की वेबसाइट है जिसमें आप जाके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आपको क्या करना है, एक अच्छे से एजेंट को पकड़ना है और उनको कहना है कि सिर्फ आपकी एप्लीकेशन वो अपडेट मीन्स फिल कर दे आपकी। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए सिर्फ 5 या 6 हज़ार रुपये शायद पर एप्लीकेशन लेते हैं, तो इट्स ओके क्योंकि उसकी भी वो मेहनत है, तो 5-6 हज़ार। लेकिन अगर आपको बता रहा है कि आप 50 हज़ार या 60 हज़ार रुपये दीजिए तो आपका कन्फर्म B1 B2 जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कन्फर्म हो जाएगा, तो ये सरासर गलत है क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का सेटिंग नहीं होता है। US एम्बेसी में जो 2 दिन लगते हैं, पहला दिन जो स्क्रीनिंग होता है, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होता है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो सब पहली बार होता है, दूसरे दिन आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। जो फेस टू फेस इंटरव्यू है वही आपका परफेक्ट चीज़ है, जहाँ पे आपको इंटरव्यू परफेक्टली कॉन्फिडेंशियल आपको हर एक का चीज़ का आंसर देना है। और जहाँ तक मैंने देखा कि जहाँ उसमें ज़्यादातर वही चीज़ पूछते हैं कि जो चीज़ें, जो क्वेश्चन और जो आंसर आपने एप्लीकेशन में डाले हुए, तो वो चीज़ आप देखें कि आपको ऑनेस्टी वही जवाब देने हैं और जो चीज़ें आपने फील की है वो आपको रिमेम्बर होना चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ फील किया है। कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है तो उसके जो आपने आंसर दिए वही आपको आंसर वो लोग रिपीट कर रहे हैं। तो पहले आप जाके आपका ड्रेसिंग इस तरह से होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि उसको सेविंग करके जाना, टाई पहन के जाना चाहिए, ब्लेजर पहन सकता है, तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें। लेकिन हाँ, आपका लुक डिसेंट होना चाहिए और जो भी आप आंसर दे पहले जाके आप ग्रीट करिए उनको, गुड मॉर्निंग, बी कॉन्फिडेंट, आप ऐसे ग्रीट करिए उनको। फिर जो जो आपके पास जो आप डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं वो आपको आपके पास रख के वो लोग आपका पासपोर्ट मांगेंगे, वो आप दे दीजिए, फिर सिलसिला चालू होगा आपको क्वेश्चन पूछने का। तो एक्चुअली मैं जब गया था तो मेरी फुल फैमिली का भी था, मैं, मेरी वाइफ और डॉटर का, तो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन उसने 2 या 3 ही पूछे, और वो भी रिगार्डिंग जो मैंने अंदर जो एप्लीकेशन में फॉर्म डाले थे उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन मेरी वाइफ को और 1-2 क्वेश्चन शायद मेरी डॉटर को पूछे। और फाइनली विद इन इन 6 और 8 8 8 और 9 सेकेंड में मुझे वीज़ा मिल गया था। तो बात यही है कि वो लोग वही चीज़ पूछते कि आप कैसे, आपको आंसर करना है और जो आपकी एप्लीकेशन जो आपने दिया है उसमें जो आंसर हो वही कर दीजिए, बाकी के जो फालतू के झंझट में अपना पड़ेगा। वरना बहुत सारे जो रहते हैं ब्रोकर एजेंट रहते हैं, वो बताएंगे कि इतने इतने पैसे हो गए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर। आपकी डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट हो आप कंप्लीट करके रखिए, लेकिन ऐसी ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्यूमेंट आपको मांगेंगे वो लोग, उसको रिक्वायरमेंट रहेगा। इन द माई केस मैंने तो कोई भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मेरे पास बताए नहीं, इवन माई पासपोर्ट दे डिडंट सी।
तो पासपोर्ट भी मेरे साइड में रखे थे, और उन लोगों ने सिर्फ मुझे बर्बरी जो क्वेश्चन किए उसको ही मैंने आंसर दी, और मुझे बाय गॉड मुझे वो मिल भी गए जो वीज़ा थे, और बहुत ही जल्दी मिल गए, और फिर 4-5 दिन के अंदर मैं कलेक्ट भी कर लिया वीज़ा, और मैं जाके भी आया, मैंने मैंने विजिट भी किया US का। और हाँ, एक दूसरी भी बात आप देखिए कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं US, तो US जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वहाँ पर भी एक क्वेश्चन, एक इंटरव्यू होता है आपका, तो वो भी आपको सही सही जवाब देना। बाकी क्योंकि काफ़ी सारे किस्सों में मैंने ऐसा देखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो होता है इंटरव्यू, तो उसमें भी जो गलत होते, तो वहाँ पे ऐसे कैसे चांसेस रहते कि वो आपको वहाँ से भी रिटर्न कर सकते। तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको वहाँ पर भी एक इंटरव्यू फेस करना है वहाँ पर भी जाके, तो जो जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आपको आपके पास भी रखने हैं। तो ये बात देखिएगा, ये मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बिफोर मैं जब इंटरव्यू देने गया तो मैंने भी काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देखे, और मुझे थैंक गॉड कि मुझे लकीली मुझे वो सारे वीज़ा मिल भी गए। तो बस इसीलिए मैं सोचा चलो मैं अपना एक्सपीरियंस क्या है वो आपके साथ शेयर करूँ। अगर कुछ भी चीज़ है अगर रिगार्डिंग US के B1 B2 और रिगार्डिंग B1 B2 वीज़ा के, तो आप मुझे प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और आपका वीडियो मुझे अगर अच्छा लगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, तो क्यों मैं इंस्पायर होगा, अगला अगला कोई जो एक्सपीरियंस मेरे साथ बने होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कृपया अगर आप जो मेरी चैनल है वहाँ पे एक बेल बटन है, आप वहाँ भी क्लिक करके, तो इसके बाद के जो मेरे वीडियो आएंगे तो आप अपने थ्रू आप उसको मिल जाएगी, आप नोटिफिकेशन मिलेगा और आप चेक भी कर सकते हैं। बस ट्राई करते रहिए और बी कॉन्फिडेंट, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके लिए कॉन्फिडेंट, और दूसरा आप किसी ब्रोकर के चक्कर में मत आइएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग एंड गुड बाय, सी यू लेटर।